उत्तराखंड के सेना गांव की पहाड़ी पर गत 15 दिनों से करीबन 250 से 300 बंदरों का झुंड अपना डेरा जमाए हुए हैं। वन्य जीव प्रेमियों ने ग्राम वासियों की सहायता से बंदरों को राहत सामग्री पहुंचाई। बटुंद गांव के समाज सेवक संदीप दवे, किशोर दवे, मुकेश जानी, चेतन जानी अपने साथियों के साथ चंपालाल मीणा की नाव में आलू और रोटा लेकर जलमार्ग से पहाड़ी पर बंदरों को राहत सामग्री वितरित की। तीन मासूम बच्चों की करंट लगने से हुई मौत। मारवाड़ जंक्शन के चौकड़िया बोर्ड की दबड़ी ढाणी में बकरियों के बाड़े में लगी लोहे की फाटक में करंट लगने से हुई घटना। तीन बच्चे की मौके पर मौत। ग्रामीण की भीड़ इकट्ठी हुई। 108 एम्बुलेंस से बच्चों को देवगढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां तीन बच्चों को कुंदन सिंह 7 वर्ष, विकास सिंह 5 वर्ष, वीरेंद्र सिंह 3 वर्ष को मृत घोषित कर दिया। रानी से खिमेल जाने वाली सड़क पर गहरे गड्ढे। वाहन चालक सुरेश कुमार ने बताया, गहरे गड्ढों से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। गहरे गड्ढे से कभी बड़ा हादसा हो सकता है। गड्ढे से वाहनों की हालत भी खराब हो जाती है। रानी खिमेल ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से रोड ठीक करने की मांग की। पाली शहर में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी पाली द्वारा जिला प्रशासन का सहयोग करते हुए कोरोना संक्रमण रोकथाम, बचाव और जागरूकता लाने को लेकर पाली शहर में जगह जगह होल्डिंग्स लगाए गए। बाली उपखंड की बिसलपुर ग्राम में 3 फीट लंबा अजगर का बच्चा एक घर में आ गया। ग्रामीणों ने जवाई वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को सूचना दी। राजू सिंह चौहान मौके पर पहुंचकर अजगर के बच्चों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया।